हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सब जानते हो, एनपीसीएल का रिक्रूटमेंट आ चुका है थ्रू गेट। यू कैन अप्लाई थ्रू गेट 2021, 22 एंड 23। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 28 अप्रैल है, आप उससे पहले अप्लाई कर दो। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 325 वैकेंसी हैं टोटल वैकेंसी, अगर हम सारी ब्रांचेस की बात करें तो। और अगर हम सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 123 वैकेंसी हैं इस बार, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इस बार। तो एनपीसीएल में मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है? मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपका जो गेट स्कोर है वो सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग है। अगर आपका गेट स्कोर कट ऑफ से पार करता है तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो, सिलेक्ट होते हो, तो यू विल बी अपॉइंट एज अ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन एनपीसीएल। तो इंटरव्यू बहुत अहम रोल प्ले करता है एनपीसीएल में, एनपीसीएल सिलेक्शन में, क्योंकि जो 100% वेटेज होता है सिलेक्शन में वो सिर्फ इंटरव्यू का ही होता है। गेट इज ओनली अ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। तो अगर आपको हमारी इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो चाहिए इस यूट्यूब चैनल पे, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।